दोस्तों आईपीएल 2023 के ऑक्शन के स्टार्ट होने से पहले ही आईपीएल की सभी 10 टीमों ने अपने अपने स्क्वाड में शामिल होने वाले एक एक नए प्लेयर की घोषणा कर दी है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको आईपीएल 2023 के लिए सभी 10 टीमों के एक एक नए प्लेयर्स की फाइनल लिस्ट बताएंगे। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और वीडियो के नीचे से रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप आईपीएल से रिलेटेड कोई भी न्यूज सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर फॉलो करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वन बाय वन आईपीएल 2023 में पार्टिसिपेट करने वाली सभी 10 टीमों के एक एक नए खिलाड़ियों की पहली लिस्ट बता देते हैं। तो इस लिस्ट की पहली बड़ी टीम है दिल्ली कैपिटल्स की टीम और ये टीम ऑक्शन में 100% निकोलस पूरन को खरीदेगी, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स ने अपने स्क्वाड से टीम साइफर्ट को रिलीज कर दिया जो कि इस टीम के बैकअप विकेट कीपर थे। तो अब बैकअप विकेट कीपर के लिए दिल्ली की टीम ऑक्शन में 100% निकोलस पूरन को टारगेट करेगी। इसके बाद इस लिस्ट की दूसरी बड़ी टीम है पंजाब किंग्स की टीम और पंजाब किंग्स की टीम ऑक्शन में बेन स्टोक्स या फिर कैमरन ग्रीन में से किसी एक प्लेयर को टारगेट करेगी और वैसे भी पंजाब के पास 32 करोड़ से ऊपर का पर्स है। तो इस वजह से पंजाब की टीम किसी एक्सपेंसिव और बेहतरीन प्लेयर को ऑक्शन में खरीदेगी। इसके बाद इस लिस्ट की तीसरी बड़ी टीम है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम और इस टीम के पास सबसे बड़ा 42 करोड़ का पर्स है। तो ये टीम ऑक्शन में सैम करन को 100% टारगेट करेगी, क्योंकि सैम करन करेंटली वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे बेस्ट ऑलराउंडर है और T20 वर्ल्ड कप में इन्होंने काफी शानदार प्रदर्शन किया। तो इस वजह से 100% हैदराबाद की टीम सैम करन के ऊपर बोली लगाएगी। इसके बाद इस लिस्ट की चौथी बड़ी टीम है राजस्थान रॉयल्स की टीम और इस टीम ने तो ट्रेड विंडो में भी जेसन होल्डर को परचेज करने का फैसला किया था, लेकिन अब जेसन होल्डर को ऑक्शन में राजस्थान की टीम टारगेट करेगी, क्योंकि राजस्थान अपने स्क्वाड से राशि वंडरसन, जिमी निसम, डेरी मिचेल जैसे ऑलराउंडर को रिलीज कर चुके हैं। तो इस वजह से राजस्थान की टीम 100% इनके भरपाई के लिए जेसन होल्डर या फिर ड्वेन ब्रेवो में से किसी एक प्लेयर को खरीदेगी। इसके बाद इस लिस्ट की पांचवी बड़ी टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये भी बता दिया कि वो कौन से प्लेयर को खरीदेगी, जहां पर अब से कुछ देर पहले कोलकाता ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला था जिसमें उन्होंने बताया था कि उनको एक बैकअप विकेट कीपर की तलाश है, क्योंकि कोलकाता के पास करेंटली सिर्फ रहमानुल्ला गुरबाज है। तो इस वजह से कोलकाता की टीम बैकअप विकेट कीपर के लिए ऑक्शन में KS भरत को 100% खरीदना चाहेगी और कोलकाता के पास इसके लिए नॉर्मल पर्स बैलेंस भी है और ये टीम कोई बड़े प्लेयर को नहीं खरीद पाएगी। तो इस वजह से 100% KS भरत को कोलकाता की टीम ऑक्शन में खरीदना चाहेगी। इसके बाद इस लिस्ट की छठवीं बड़ी टीम है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम और इस टीम को फ्यूचर कैप्टन की तलाश है। तो अभी से ही कयास लगाया जा रहा है कि केन विलियमसन को ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम टारगेट करके शामिल करने का पूरा प्रयास करेगी। इसके बाद इस लिस्ट की सातवीं बड़ी टीम है लखनऊ सुपर जायंट की टीम और इस टीम ने अपने स्क्वाड से होल्डर और लुइस जैसे खिलाड़ियों को बाहर किया। तो अब लखनऊ की टीम ऑक्शन में कैमरन ग्रीन के ऊपर बोली लगाएगी, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट को नंबर 3 पर ताबड़तोड़ बल्लेबाज की तलाश है। तो इस वजह से ग्रीन को लखनऊ की टीम ऑक्शन में खरीदना चाहेगी। वहीं अगली बड़ी टीम है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम और इस टीम को भी ग्लेन मैक्सवेल का बैकअप प्लेयर चाहिए। तो कैमरन ग्रीन के ऊपर आरसीबी बोली लगाएगी, हालांकि ग्रीन को खरीद पाना आरसीबी के लिए मुश्किल होगा क्योंकि आरसीबी के पास काफी कम पर्स बैलेंस है। तो अगर कैमरन ग्रीन इस टीम को नहीं मिलेगा तो ये टीम लेफ्ट हैंडेड फास्ट बॉलर को टारगेट करेगी और ये प्लेयर हो सकता है डेनियल सैम्स। इसके बाद इस लिस्ट की नौवीं बड़ी टीम है मुंबई इंडियंस की टीम और मुंबई ने अपने सुपरस्टार कायरन पोलार्ड को रिलीज कर दिया जो कि अब रिटायर भी हो चुके हैं। तो उनके भरपाई के लिए मुंबई की टीम ऑक्शन में बेन स्टोक्स को टारगेट करेगी। इसके साथ ही सैम करन और कैमरन ग्रीन को भी टारगेट करेगी और इन तीनों में से किसी न किसी एक प्लेयर को खरीदना चाहेगी। वहीं इस लिस्ट की दसवीं और अंतिम टीम है गुजरात टाइटंस की टीम और गुजरात
भारत के प्लेइंग 11 को आप ध्यान से देखेंगे तो इस टीम को नंबर 3 पर बढ़िया बल्लेबाज की तलाश है, तो इस वजह से गुजरात टाइटंस नंबर 3 के लिए ऑक्शन में हैरी ब्रूक को टारगेट करेगी जो कि इंग्लैंड के सुपरस्टार यंग प्लेयर है। तो ये था सभी 10 टीमों के स्क्वाड में शामिल होने वाले एक एक नए प्लेयर की पहली लिस्ट। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।